संकल्प लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि जिस तरह से हमारे इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को टुकड़े टुकड़े में बटे हुए देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, तमाम छोटी छोटी रियासतों, छोटे छोटे गणराज्यों को एक करके हिंदुस्तान का विकास करने का जो काम किया, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के बाद इस देश में जो खाली खजाना मिला उस देश को इसमें विकसित करने का जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है, आज हम ये संकल्प लेते हैं कि उनकी नीतियों पर, उनके आदर्शों पर चलते हुए हम सब लोग इस देश की रक्षा करेंगे, हम सब लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का घर बनाने का काम करेंगे। आज जो जयंती है, आज महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री, इस देश के फ्रीडम फाइटर, भारत रत्न और इस देश के आधुनिक युग के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने माल्यार्पण करने के बाद एक संकल्प लिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का भारत था, जिस तरह से उन्होंने तमाम छोटे छोटे राज्यों को, छोटी छोटी रियासतों को एक करके इस देश का विकास करने का, इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था, इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का जो काम किया था, आज हम उस एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए आज हम संकल्प लेते हैं कि इस देश में जो साथीवादी और सांप्रदायिक ताकतें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा के विपरीत हैं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विपरीत चल रही हैं, जो इस देश में हमारी अफरा तफरी मचाकर अपने मकसद में कामयाब होकर लोकतंत्र का गला घोंट रही हैं, हम उनके खिलाफ एक संकल्प लेते हैं कि अगले 2022 तक हम उत्तर प्रदेश से गांधीवादी तरीके से इस प्रदेश में आंदोलन करेंगे और निश्चित तौर से फांसीवादी ताकतों को, ये जो भ्रष्टाचारी ताकतें हैं, लाखों करोड़ के घोटाले करने वाली जो ताकतें उत्तर प्रदेश में और देश में काबिल हो गई हैं, हम उनको उखाड़ फेंकेंगे और भारत की जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का भारत बनाने का काम करेंगे। मैम, आज जो नेहरू की जयंती है, नेहरू जी हमारे आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के, जिन्होंने एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी, आज जो हम हैं आज वो नेहरू जी के ही किए गए कार्यों का नतीजा है, जो आज हमारा देश यहाँ तक पहुँचा है। हम आज उनको याद करते हैं, बच्चों को बहुत प्रिय थे, उनको चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। आज के दिन हम ये कामना करते हैं कि जो ये खेल चल रहा है हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का, खत्म करने का, जहाँ उनकी सरकार न बने वहाँ सरकार, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने का, RTI को उन्होंने ख़त्म करने का जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं, वो उनसे हम लोग सफलतापूर्वक लड़ाई लड़े और ये हम संकल्प लेते हैं कि आगे आने वाले समय में इनका भांडा फोड़ें पब्लिक के सामने और उन्हें समझाएं कि देश हित में बहुत गलत हो रहा है, राष्ट्र सबसे पहले है और हम एक मजबूत कांग्रेसी होने के नाते सभी लोग अपने अध्यक्षों के नेतृत्व में अपने हालात कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से कि इस भाजपा मुक्त भारत हम देश को दे सकें।